नमस्कार उज्जैन, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं 3 मार्च शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर के बजाय कंपाउंडर ने किया इलाज, मरीज ने गवाई जान, व्हीप और बजरंग दल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस कान में 5 मार्च को महानगर संकीर्तन से होगी गौर पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत। होली से शीतल जल से स्नान करेंगे बाबा महाकाल और विश्व श्रवण दिवस पर लगाया शिविर। खबरों का विस्तार हम अभी जानेंगे, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। माधव नगर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। परिजनों का आरोप है कि युवक की तबीयत बिगड़ने पर उसे माधव नगर अस्पताल लेकर गए थे, जहां डॉक्टर की गैर मौजूदगी में कंपाउंडर ही उसका इलाज करते रहे, जिस वजह से मरीज ने दम तोड़ दिया। अजीत नगर निवासी 30 वर्षीय रवि पिता राजू गोते की गुरुवार रात करीब 7 बजे अचानक तबीयत खराब हो गई। घबराहट होने के कारण परिजन उसे माधव नगर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसके चलते कंपाउंडर ने उसे ड्रिप लगा दी। तबीयत बिगड़ने पर भी डॉक्टर नहीं आए, जिसके कारण रात करीब 10 बजे उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई राहुल का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने उसके भाई की जान ले ली। मेरे भाई को 7:30 बजे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था उपचार के लिए, पर वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होने के कारण और सही इलाज न मिलने का उसके मृत्यु हो गई। कौन सा हॉस्पिटल? माधव नगर हॉस्पिटल। सिंहस्थ क्षेत्र में बन रही कॉलोनियों और शिप्रा के आसपास हो रहे अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की, ताकि सिंहस्थ महापर्व बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि प्रत्येक 12 वर्ष में शहर में सिंहस्थ का आयोजन होता है, जिसमें शंकराचार्य सहित साधु संत, महामंडलेश्वर और करोड़ों भक्त शामिल होते हैं। इसके लिए पांडाल शिप्रा किनारे और सिंहस्थ क्षेत्र में लगाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में इंदौर रोड, त्रिवेणी से जीवनखेड़ी, दाऊदखेड़ी, बड़नगर रोड और सदावल रोड आदि क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियां बनती जा रही हैं। इस पर शीघ्र रोक लगाने की जरूरत है, जिससे सिंहस्थ में लगने वाले पांडाल इन क्षेत्रों में बिना किसी परेशानी के लगाए जा सके। प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से ऐसे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को चिन्हित कर उन्हें हटाने की भी मांग की। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री महेश तिवारी, जिला अध्यक्ष अशोक जैन चायवाला, जिला मंत्री मनीष रावल एवं बजरंग दल जिला संयोजक अंकित चौबे मौजूद थे। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो सिंहस्थ के लिए जो जमीन आरक्षित की गई है, उसमें दिन ब दिन अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं और अतिक्रमण भी इतने बढ़ रहे हैं कि अब तो नदी किनारे भी अतिक्रमण हो रहे हैं। कहीं कॉलोनियाँ कट रही है तो कहीं व्यवसायिक परिसर बना रहे हैं, कहीं घुमटियाँ लगा रहे हैं। इस तरह से पूरी उज्जैन नगर को, पूरे सिंह क्षेत्र को इन्हें अतिक्रमण युक्त कर दिया है। तो हमारा प्रशासन से ही आग्रह है कि बगैर भेदभाव के इसको अतिक्रमण से मुक्त करें और अभी से ये प्रक्रिया शुरू होना चाहिए, क्योंकि सिंहस्थ आने के बाद तो फिर बहुत देर हो जाएगी, उस समय 1 साल में कुछ होता नहीं है। इसलिए अभी से उसकी पहल करेंगे तो सारे अतिक्रमण हट जाएंगे और आगे से कोई अतिक्रमण करने की पहल भी नहीं करेगा। भरतपुरी स्थित इस्कॉन मंदिर में 5 मार्च को महानगर संकीर्तन के साथ गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की शुरुआत होगी। 4 दिन तक चलने वाले इस महामहोत्सव में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंदिर में आकर्षक विद्युत और पुष्प सज्जा भी होगी। पीआरओ राघव पंडित दास ने बताया, इस्कॉन मंदिर में फाल्गुन पूर्णिमा पर गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। इस बार भी 5 मार्च से 4 दिवसीय महोत्सव का शुभारम्भ होगा। शाम 5 बजे महानगर संकीर्तन निकाला जाएगा। 6 मार्च को शाम 7:40 पर अधिवास महोत्सव मनाया जाएगा। रात 8 बजे गौर कथा व सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 7 मार्च को अल सुबह 4:30 मंगला आरती होगी। सुबह 7:05 पर वृंदावन के ब्रज सुंदर प्रभु जी द्वारा गौर कथा सुनाई जाएगी। सुबह 8:30 भगवान के श्री विग्रह के दर्शन होंगे। शाम 4:30 भक्ति प्रेम स्वामी जी महाराज द्वारा गौर कथा सुनाई जाएगी। शाम 5:30 विग्रह अभिषेक होगा और शाम
7:30 बजे अनुकल्प प्रसाद का आयोजन किया जाएगा। 8 मार्च को जगन्नाथ मिश्र उत्सव मनाया जाएगा। सुबह 11:15 बजे महामन प्रभु जी कथा सुनाएंगे। 7 तारीख को गौर पूर्णिमा के दिन भगवान का अभिषेक होगा, उनके बारे में कथाएं होंगी। और 8 तारीख को, क्योंकि भगवान इनका जन्म जो है रात को हुआ था, शाम को 7 बजे के करीबन जब चंद्रमा उदित हो रहा था, उस समय ग्रहण भी था, तो जब ये होता है तो दूसरे दिन फिर जगन्नाथ जी का उत्सव मनता है। जगन्नाथ इनके पिताजी थे तो वो उत्सव मनाते हैं। तो इस तरह से 4 दिन का कार्यक्रम। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में होली से भगवान महाकाल को शीतल जल से स्नान करवाया जाएगा। इसी दिन से आरतियों का समय भी बदल जाएगा। वहीं परंपरा अनुसार होली का दहन सबसे पहले महाकाल मंदिर में किया जाएगा। भगवान को गुलाल लगाकर श्रद्धालुओं के साथ होली भी खेली जाएगी। दरअसल श्री महाकालेश्वर मंदिर में साल में 2 बार भगवान महाकाल की प्रतिदिन होने वाली आरतियों के समय में आधे घंटे का बदलाव होता है। इसी के साथ भगवान की दिनचर्या में भी परिवर्तन होता है। होली पर्व से भस्मारती तड़के 4 से 6 बजे तक, दद्योदक आरती प्रातः 7 से 7:45 बजे तक, भोग आरती प्रातः 10 से 10:45 बजे तक, संध्याकालीन पूजन शाम 5 से 5:45 बजे तक, संध्या आरती शाम 7 से 7:45 बजे तक एवं शयन आरती रात 10:30 से 11 बजे तक होगी। आपको बताते चले कि भस्मारती एवं शयन आरती अपने निर्धारित समय पर ही होगी। विश्व श्रवण दिवस पर शुक्रवार को जिला अस्पताल में शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बहरेपन की समस्या से परेशान मरीजों का इलाज किया गया। सिविल हॉस्पिटल के DEIC विभाग में आयोजित शिविर सुबह 10:30 बजे से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचे। कैंप में गरीबी रेखा के नीचे और आयुष्मान कार्डधारी लोगों को निशुल्क मशीन भी प्रदान की जा रही है। शिविर शाम 4 बजे तक चलेगा। आज 3 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश में विश्व पूरे मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हियरिंग डे यानी कि श्रवण विश्व श्रवण दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उज्जैन में भी ये जो है विश्व श्रवण दिवस मनाया जा रहा है आज के दिन, और इस कैंप का आयोजन किया गया। इसमें सभी प्रकार के बच्चे से लेके, मतलब 0 से लेके 18 साल तक के बच्चे और बड़े वृद्धजनों को भी जो है इसमें, जिनको कि श्रवण क्षति है या सुनने की कोई प्रॉब्लम है, उसको सभी का जो है यहाँ पर डायग्नोस्टिक मतलब जांच, उनकी जांच की जा रही है। उसकी मतलब मशीन से जांच करके फिर उसको प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो है उनको जो सुनने की मशीन है वो भी प्रदान की जाएगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।